हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद व एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बुधवार को जनसंवाद केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया। कंगना ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र में अब उनके 3 कार्यालय हो गए हैं। एक कार्यालय मनाली स्थित निवास पर है, जबकि दूसरा सरकाघाट वाले निवास पर है और तीसरा कार्यालय मंडी शहर में खुला है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार उनसे इन कार्यालयों में आकर मिल सकते हैं। यदि वो कार्यालय में नहीं मिलती तो लोग यहाँ तैनात स्टाफ के पास भी अपनी बात लिखित में दे सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। इस मौके पर कंगना ने लोगों से मुलाकात भी की और उनकी समस्याओं को भी सुना। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या क्या कहा, सुनिए। और हमारा यही लक्ष्य है कि जो जनता है वो यहाँ आकर हमसे जुड़े, ना कि सिर्फ काम करवाने के ही उपलक्ष्य से आए, जबकि जो जनसेवा में इच्छा रखते हैं, उत्सुकता रखते हैं, राजनीति की इच्छा रखते हैं, उत्सुकता रखते हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ आकर जुड़े। तो मैं तो सरकाघाट में जो है मम्मी पापा के घर पे अक्सर होती हूँ, फिर वहाँ पर भी एक कार्यालय है। मनाली जो है मैं यहीं से होकर निकलती हूँ, वहाँ पर भी घर में आपका सबका स्वागत है। लेकिन जब भी मैं यहाँ से होकर निकलती हूँ तो मैं आशीष भाई को फ़ोन करती थी कि हमें कब कार्यालय जो है वो मिलेगा डीसी से, तो ये कहते थे कि आपकी ओथ के बाद ही ये हो पाएगा। तो जैसे ही ओथ हुई तो सबसे पहले हमने यही काम किया। अब तो आते जाते अक्सर यहाँ पर मैं जो हूँ आपको मिलूंगी, और जिस भी तरह की आपको चर्चा करनी हो, मिलना हो, तो आप बेझिझक यहाँ पे आए और मेरे साथ जो है आकर जुड़े। मंडी सदर में जो हमारा कार्यालय है, ये इसकी डिटेल है। विशेष करके आप जानते हैं कि हिमाचल में बहुत ज्यादा जो है पर्यटक आते हैं, तो इससे यहाँ आपका आधार कार्ड, मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना जरूरी है, और साथ में जो पार्लियामेंट्री आपका काम है वो भी एक चिट्ठी पे लिखा हुआ होना चाहिए, इस तरह की दिखा, ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। नहीं तो क्या होता है कि टूरिस्ट इतने ज्यादा मैंने देखा है मनाली में भी आ जाते हैं कि जो आम लोग होते हैं उनको बहुत असुविधा हो जाती है। तो मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड और पार्लियामेंट्री वर्क जो है उसका लेटर, और मैं ये कहूँगी कि अगर आप इन पर्सन आकर मिलें मुझे, चाहे वो मेरे अपर हिमाचल से अगर आप हैं तो मेरे मनाली वाले, कुल्लू मनाली वाले मेरे घर में आइए, और अगर आप मंडी से अगर आना चाहते हैं तो इस कार्यालय में आइए। अगर आप बिल्कुल ही लोअर हिमाचल से हैं तो सरकाघाट का जो मेरा घर है वहाँ पे कार्यालय है, वहाँ आए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब आप मिलकर जो है अपना कोई काम बताते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसमें चर्चा करते हैं, तो वो हमारे लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। जबकि कोई मेल आता है या एक फाइल में आती है तो मैं कहती हूँ खैर वो भी हमारे उसमें रहता है, विषय में रहता है, लेकिन जब आप पर्सनली आकर कोशिश करें कि आकर मिले किसी भी काम के लिए, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खैर उनका काम विधायक की जैसा नहीं होता है और ना ही पंचायत के जैसा होता है। अक्सर लोग मिलने आते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि ये पंचायत का काम है या ये विधायक का काम है। मैं फिर से आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगी, काम आप कोई भी लेके आइए यहाँ पर, हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। लेकिन अगर आप मंडी पार्लियामेंट्री से रिलेटेड, जो कि आपको सेंटर से रिलेटेड है, हमारी जितनी भी सेंटर से रिलेटेड काम है, चाहे आपको कोई आवास नहीं मिला हो या जो जल योजना है या आयुष्मान योजना है या कोई आपका सेंटर का काम रुका हो या आपको कोई नई नीति लगता है कि बननी चाहिए सेंटर से, या कोई ऐसा विषय है आपका जो पार्लियामेंट में जिसकी आवाज़ उठानी चाहिए, आपको लगता है कि ये विषय जो है वो एक राष्ट्रीय स्तर का विषय, इसकी आवाज़ पार्लियामेंट में उठनी चाहिए, तो मैं आपकी वो आवाज़ हूँ। तो मुझे जो है, मैं हमेशा कहती हूँ, लोग मेरे माला हुए भैया जी हरी नारी कुल टूटी गरी आहारा जो आज जेड़ा भी गया दुराजा टूटी गया, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि ठीक है छोटे काम हैं वो भी आवश्यक है, लेकिन मुझे जो है इस तरह के जो पार्लियामेंट्री के जो बड़े काम होते हैं, अगर आप उसके लिए जो है मुझे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट आपके पास आएगा। और यहाँ पर भी आपको रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे जिनके साथ में आप अपने काम रख सकते हैं, और फिर उनको एड्रेस तो मैं ही करूँगी, ऐसा नहीं है कि वो करेंगे। फिर जब मेरा दौरा लगेगा महीने में एक बार तो मैं जो है उसको एड्रेस करूँगी, महीने में एक बार मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन जब पार्लियामेंट्री काम होते हैं तो दो दो महीने के बाद भी दौरे लगते हैं,
खैर अब वो तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से होगा, लेकिन कई बार एक महीने में आप पाएंगे कि मैं 2-3 बार यहाँ पर हूँ, तो वो हमेशा जो है मैं आपके जितना हो सकता है वो तत्पर रहूँगी। ये एरिया भी बहुत बड़ा है, सरकार घाट में भी रहना पड़ता है, आपको हिमाचल में भी रहना पड़ता है, इसमें भी रहना पड़ता है, और ये समझ के नहीं, आप खुद जुड़िए यहाँ पर, आप आइए, आप यहाँ बैठिए, जो आपके दोस्त हैं जिनकी सुनी नहीं जा रही है, आपके रिश्तेदार हैं जिनको लगता है आपको कि जिनके, उनको लाइए आप यहाँ पे, आप इसे अपना दफ्तर, आप मेरे साथ काम कीजिए, आप मेरे साथ जुड़िए, हम सब जन जन सेवा का काम करें, आप मेरे साथ आके जुड़िए, हर तरह का विषय एक ही विषय को लेके चलेंगे ताकि जो है उसके पीछे पड़ सकें और उसको करवा सकें, और धीरे धीरे जो है ये सब काम संपन्न होके थोड़ा सा पेशेंस जो है वो रखना पड़ेगा, और प्रायोरिटी बेसिस पे चलना पड़ेगा, ताकि हमें वहाँ पे भी सीरियसली ले, कि ये नहीं कि बस जी बोल गए और अपना फिर खो गए, नहीं, उस चीज़ के पीछे पड़ेंगे, कोई भी एक एक विषय को लेकर 6-6 महीनों में उसके पीछे पड़ेंगे पूरी तरह से, और उसको जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक उसी दूसरे विषय के बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसा सा मेरा प्लान है, पर देखिए मैं भी नहीं हूँ, अब धीरे धीरे इस चीज़ में हम जो है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।